तेलंगाना के मेडक जिले में एक प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक प्रशिक्षक और एक प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई। विमान ने नियमित प्रशिक्षण उड़ान के लिए हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी से उड़ान भरी थी। AFA हैदराबाद से एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान आज सुबह एक पिलाटिस PC-7 MK-2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गहरे अफसोस के साथ भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। विमान में सवार दोनों पायलटों को घातक चोटें आईं। PC-7 MK-2 एक एकल इंजन वाला विमान है जिस पर भारतीय वायुसेना के पायलट बुनियादी प्रशिक्षण लेते हैं। वायुसेना ने दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पायलटों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा, इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।